चैनल भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाल बोले तो नीतू भोपाल ही। तो आज हमारे साथ एक बहुत गंदा वाला कांड हुआ। निशा बताएगी आपको विस्तार में आखिर हमारे साथ हुआ क्या। आज हमारी बर्तन वाली आंटी नहीं आई। फिर क्या हुआ, अपन ने क्या करा? साड़ी पहनी भी उतार दी है वाली दीदी ने साड़ी और बैठ गए बर्तन मांजने। दूसरी साड़ी पहनी ये भी तो बता। हाँ दूसरी साड़ी पहनी, वही तो बता रही थी, ये वाली उतार के दूसरी पहन के ने मांजने लगी। मुझे लगा आ गई साहब भाई, मैं खुश होकर मैं नहाने जा रही उन्हें बोल भी रही दीदी से कि दीदी मैं नहीं नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं मान तू, तो बोले नहीं आ रही। उन्होंने फोन भी लगा, लालच भी दे दिया उसको। वो चंचल, वही चंचल जिसको हमने आपको ब्लॉग में दिखाया था, उसकी बड़ी बहन काम करती है लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही थी। फिर हमने चंचल को फोन लगाया तो चंचल इतने पागल है आ रही हूँ बोल के फोन घर पे छोड़ के फोन आ रही। हम फोन पे फोन लगा रहे, वो फोन नहीं उठा रही, तो हमको ऐसा लगा कि शायद इसने डमा दे दिया अब नहीं आएगी। तो फिर हमको थोड़ा सा ऐसा मन में लगा, बोले हट रहे क्या इंतजार आधे घंटे में तो अपन ही मांझ के हटा देंगे, काम कर लेंगे। और किस्मत इतनी खराब, आखिरी में सिर्फ एक कढ़ाई और एक थाली बची भाई वो। जब चंचल सामने आके खड़ी हो गई एकदम से, फिर मैंने बोला अरे भाभी, बोलती अरे भाभी क्या बोलते से मैं आई रही थी ना, बोला था ना, तो बोले तू फोन कहाँ उठा रही थी? तो बोले मैं घर भूल के आ गई, मैंने बोल तो दिया था। पर मैंने तू चंचल है, तेरा विश्वास नहीं, तू चंचल है तेरा विश्वास नहीं हमको बिल्कुल भी। तो कुछ ऐसी घटना घटी हुई हम लोगों के साथ। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको विस्तार में बताएगी निशा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुलदेवी के मंदिर, तो वहाँ पर है पूजा और वो गांव में है, थोड़ा दूर है, मतलब भोपाल से बाहर है। तो बस अब हम लोग, हालांकि हमें टाइमिंग दिया गया था सुबह कितने बजे निकलना था, हमें सुबह 5 बजे उठ जाना, निकालेंगे कितने बजे, 8 बजे, किसी भी कंडीशन में 8 बजे यहाँ से निकलेंगे। और अभी कितनी बज रही है, तो कोई काम मतलब समय पे। अरे भाई ने भी धोखा दे दिया ना। अब होता क्या है कि अगर हम जैसे काम छोड़ के भी चले जाते तो शाम को हम थके आते तो मांजना तो फिर हमको ही पड़ते, बर्तन साफ करना पड़ते ना। तो उससे हमने सोचा और ज्यादा थके थे तो और ज्यादा थक जाएंगे। बापरे मेरा मुंह कितना शाइनिंग। यार बिट्टू भैया कोई हक नहीं है यार, सही बता रही हूँ यार, कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का मुझे। अब बिट्टू भैया दो शब्द बोलेंगे। इसी तरह क्या है, मजाक मस्ती करते हैं, इसे जोक सुनाते चलो ना, अच्छा लगेगा, रास्ता अच्छे से कट जाएगा। जोक सुनो, ये जोक नहीं था, फिर क्या था? सच बता रही हूँ मैं, कोई बात इस तरह की बात है, मंदिर जा रहा है कहीं अच्छी जगह जा रहा है, मंदिर भगवान के घर जा रहा है, इस तरह का झूठ बोलना अच्छी बात है? सुना आपने, तो बस अभी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। पहुँच कर वहाँ पर क्या मस्ती होती, ढोलक तो रखी नहीं, मम्मी ने बोला था ढोलक रख लो ना, तो वहाँ पे अपन गाने वाने गाने वाले वो भैया वाली भी क्या भाई तेज है, ध्यान नहीं रहा क्या? हाँ यार, अरे यार शिट, चलो कुछ भी छोटू भाई आएंगे ना भैया, हट ढोलक थोड़ी लेके आएंगे, वो एक्टिवा से आ रहे हैं तो। अच्छा, अरे यार थोड़ा सा भजन वजन गाते, माता जी की 2-4-8 भेंट गाते, फिर बिट्टू भैया खुश हो के अपनों को इनाम देते। कितने देते पहले पूछो तो सही उनसे। क्या बिट्टू भैया, अभी वो फोन पे बिजी है बिट्टू भैया। क्या यार गर्मी कुछ समझ नहीं आ रही, चाची क्या बोलना चाह रही है, गर्मी है मौसम क्या कहना चाहता है समझ नहीं आ रहा है। चाची को तो अभी वहाँ पे कश्मीर में बैठे आया ना आगे चाची जी, अच्छी बैठी। अरे चाची मैं ये बोल रही हूँ समझ नहीं आ रहा है, बारिश हो रही है, कड़क गर्मी वाली धूप है, चिपचिपी उमस है, तो भगवान अपनी फिरकी ले रहा है क्या? हाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हाँ बहुत उमस भी हो रही है, चिपचिपी वाली गर्मी है। अच्छा ना बारिश नहीं हो रही है, ये सेन कर लेंगे अपन। क्यों बिट्टू भैया, अगर हम वहाँ पे माता जी की अच्छी बेहतरीन भेंट गाते तुम्हारे लिए, एक से एक गाने सुनाते हम दोनों बैठ के, मैं और निशा, तो तुम हमें कितना इनाम देते? 25 पैसे के सिक्का है तुम्हारे पास? 21-11 बस, हमारी मधुर आवाज में सिर्फ 21 और 11 रुपए। अरे मधुर आवाज तो वो थी कौन दुकान की थी मधुर आवाज। अरे इन्होंने बताई क्या नहीं, वीडियो नहीं दिखाती
बिट्टू भैया को नहीं दिखाई मैंने। तो चलो पहुँचते हैं वहाँ, जाके क्या क्या होता है तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, बिल्कुल भी ब्लॉग को छोड़िएगा नहीं, आपके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को, तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। यहाँ पर कोई विराजमान है, आपको मिलवाते हैं, कौन बैठा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर बैठी है छोटी सी प्यारी लेना। तो मुझे फोन नहीं करते बना फिर गया आगे। कौन हाईवे पे? कौन? तो ये इतनी पहले से आने के बाद भी पूजा नहीं हुई। कितनी देर पहले के आ गए आप लोग? नमस्कार चाची जी, नमस्कार बुआ जी, नमस्ते चाची जी, नमस्ते बड़े मम्मी। लब भाई नमस्ते, नमस्ते बुलबुल दीदी, नमस्ते भाभी। वाओ चाची नेल पेंट तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मेरी लगी हूँ रख के। घर वाले सब बहुत जल्दी निकल गए थे कि हम लोग पहले चले जाते हैं, माता जी का पूजन हम लोग कर देंगे। लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से कि हम जब पहुँचे मंदिर पे, मतलब मैं पहुँची उसके बाद ही, मतलब वो लोग एक डेढ़ घंटे पहले ही चले गए थे, दो घंटे पहले, कि हम लोग जाके पूजन कर लेंगे, खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा, आके सीधे सीधे जल्दी से खाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब पहुँचे, और ये देख सकते हैं आप, ख़तरनाक वाली बारिश ने अपना रुख ले लिया था वहाँ पर। लेकिन मज़ा बहुत आया क्योंकि गांव का माहौल था, आंगन था और माता जी का मंदिर था, तो वहाँ पे कुछ अलग ही रौनक सी थी। और जाने के बाद पूजन भी बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन जब खाना स्टार्ट हुआ उसके बाद, जो मतलब खाना स्टार्ट करने के बाद जो बारिश हुई थी ना पापा जी, बारिश इतनी तेज आ रही है, तो ये माता जी खुश है किस कारण से? अब उनकी महिमा वो ही जाने, खुशी से आ रही है क्या बारिश? आप उन्हीं की महिमा है, हमको क्या बता सकते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है, जो करे वो सभी अच्छा है, उनका सबकी सब में उनकी मर्जी रहती है। लेकिन ठंडा ही हो जाएगी अभी गर्मी के हिसाब से। हाँ बिल्कुल बढ़िया, अच्छा हो जाएगा, मैया सब करेगी ठीक। मौसा जी फिर पानी आ गया तो? ये तो माता जी कृपा है, अच्छा है पानी, अच्छा गिरेगा और अच्छा है ना, गर्मी अच्छा, खत्म होगी, गर्मी खत्म होगी, अच्छा है पानी, जो माता रानी चाहेंगी बढ़िया, अच्छा है। अभी बहुत खतरनाक वाली गर्मी हो रही थी बाबूजी, गर्मी कम हो गई, पानी गिरने से हाँ कम हो गई है, बहुत तेज वाली गर्मी थी। बहुत तेज आ रहा है, तीन बजे के समय ऐसा मौसम हो गया जिससे 7:30 बज रही हो। हम दोनों को ये चूक मत करो, आप भी पनीर लोगे दीदी? हाँ दीदी आप पनीर खसखस लोगे, सादा पनीर लोगे? देख सकते हैं आप,
तो गाइस देख सकते हैं फंक्शन में कुछ इस तरीके से खाना चल रहा है, क्योंकि पानी बाबा ने ऐसा खतरनाक प्रलय मचाया है, तो कुछ इस तरीके से खाया जा रहा है खाना गाइस। मौसम सब आंधी तूफान के साथ बारिश है। पीछे की भी थाली सो डाल, पता नहीं चलेगा। नीतू भाभी ज़ूम करके नंद क्या चाहिए देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से गोभी ढूंढी जा रही है। पुलाव पुलाव में से गोभी ढूंढ ढूंढ के निकाली जा रही है। चल आजा तेरे को खिलाऊं। अरे गोलू भैया गोभी नहीं मिली। अरे सही में गोभी वाली मिली। गोभी वाली निकाल के खा रहे हो। ये कहाँ लेके जा रही? ये इस पे बैठेगी। हाँ पनीर लिया कि नहीं लिया? पनीर ही खा रहे हो? हाँ और वो दियो ना ये पनीर पनीर ही खा रही इसका चम्मच आपने नहीं ली रोटी नहीं ली? नहीं खा रहा हूँ ना मैं। दादा कैलाश कैसेट कंपनी का ऑनर है। कहाँ के? कैलाश कैसेट कंपनी। अच्छा बुंदेलखंड में बहुत बड़ा नाम है। अच्छा दादा रोटी अच्छा कंपनी के साथ कंपनी के साथ नहीं खुद की कंपनी है ऑनर है आप उसके। अरे वाह तो हम लोग को भी मौका दो उसमें साउंड्स वगैरह में। जरूर 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 कृष्णा कैसेट के मालिक हैं भाई। अच्छा अच्छा प्रकाश प्रकाश अरे अच्छा और क्या है सब बढ़िया सब बढ़िया बढ़िया ऑनर है हम आगे ले लीजिए बुंदेलखंडी में बोलो। नहीं ये वो है भाभी कितने जा रहा है बिन्ना राम 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 बोलो ना 95 कैसेट कंपनी डाली थी गोलू भैया जयराम जी। अरे कुछ बुंदेलखंड में बोलो भाभी एक सेकंड भाभी से पूछो रजनी की अकल हुआ एक सेकंड फिर से पूछो क्या रजनी भैया को क्या रजनी कारण बताओ क्या है भाभी पानी फुल्की का ठेला क्यों लगना है आप बताएंगे ये रजनीश को पानी फुल्की का ठेला इसलिए क्योंकि वो रजनीश की जो क्या बोलते हैं वो बुंदेलखंडी में बिन्ना 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 होने वाली जो बिन्ना है आए वो 50-50 खा जाते हैं फुल्कियाँ 50-50 खा जाते हैं अकेले इसलिए हाँ इसलिए उनको खुलवाना है। नहीं अपने यहाँ कहते हैं फुल्की खाना वहाँ कहते हैं फुल्की पीना। फंक्शन हो चुका है ख़त्म और यहाँ पर कुछ जिस तरीके से साफ सफाई चल रही है अभी हमने यहाँ का भी सब समेटा पूरा गंदा पड़ा हुआ था सब साफ किया है कैमरा में साफ नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा हाथ अभी गंदे हो रहे हैं क्योंकि अभी पूरा झाड़ू लगा के साफ किया है यहाँ पे किया है कचरा इकट्ठा
झाड़ के, क्योंकि मंदिर है ना, तो अगर आप यहाँ पूजन कर रहे हो तो साफ़ सफाई भी आप ही को करके जाना पड़ेगी, ऐसा नियम है। सो खाने के बाद काम नहीं बनता रे बाबा, तो हो गया। वैसे तो सब लोग मिलके कर रहे हैं, फटाफट फटाफट हो गया।